Hey guys, Foolish Engineer channel पे आपका स्वागत है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ट्रेंड चल रहा है। डोंट वरी, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग रिलेटेड कुछ बातें और इससे लेकर कुछ गलत फहमियां दूर करना चाहता हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर कैसे काम करता है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जहां हम समझेंगे बैटरी की कैपेसिटी मतलब क्या होता है, ईवी को घर पर चार्ज करने में ज़्यादा समय क्यों लगता है, ऑनबोर्ड और ऑफबोर्ड चार्जर क्या होते हैं, डीसी फास्ट चार्जिंग क्या है, EVSE या फिर जिसे वॉल माउंट चार्जर कहते हैं वो क्या है, चार्जिंग सॉकेट क्या है, चार्जर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए कहे तो हर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पे चलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने के लिए पहले हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। इससे पहले कि हम चार्जिंग के बारे में कुछ जाने, हमें बैटरी कैपेसिटी को समझना होगा। इन दिनों हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं जिसमें एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी डेंसिटी मतलब हम कितनी एनर्जी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में स्टोर कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी की एनर्जी डेंसिटी 250 वॉट आवर पर केजी होती है। वॉट आवर एक एनर्जी का यूनिट है, जो वॉट जो पावर का यूनिट है, इनटू आवर जो टाइम का यूनिट होता है। फिलहाल बस बैटरी के बारे में इतना काफ़ी है जानने के लिए। आप जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो वो वॉट आवर में दी जाती है, बेसिकली किलो वॉट आवर में। किलो मतलब 1000, जो वोल्टेज इनटू एम्पेयर आवर होता है। एक एग्जांपल ले तो ह्युंडई की जो कोना व्हीकल, उसमें 39.2 किलो वॉट आवर का बैटरी पैक है। तो हमें इस बैटरी पैक को पूरी तरह से 100% चार्ज करने के लिए 39.2 किलो वॉट आवर एनर्जी उसमें भरने की ज़रूरत है। इसलिए हमें चार्जर का यूज़ करना पड़ता है जिनकी कैपेसिटी किलोवाट में दी जाती है, जो पावर का यूनिट है। जैसे हमने देखा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। चार्जर अपनी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के अनुसार बैटरी को चार्ज करता है। यदि बैटरी की कैपेसिटी 39.2 किलोवाट आवर है और हम उसे 3.3 किलोवाट के चार्जर से घर में चार्ज करते हैं तो बैटरी को चार्ज करने में 12 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। और यदि बड़ा 10 किलोवाट कैपेसिटी का चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी को चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का टाइम लगेगा। अगर हम बैटरी को चार्ज करने के लिए 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर का यूज़ करते हैं तो आइडियली बैटरी को चार्ज करने में 30 मिनट से भी कम समय लगेगा। खैर, ये बैटरी कैपेसिटी की लिमिटेशन की वजह से इतने जल्दी चार्जिंग नहीं हो सकती, पर कंसेप्ट समझने के लिए इतना काफ़ी। तो टाइम बचाने के लिए डीसी फास्ट चार्जर का उपयोग बैटरी चार्ज करने के लिए ज़्यादा किया जाता है। अगर हम बैटरी कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो इन बड़ी बैटरीज को चार्ज करने के लिए पावर भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी चार्ज करने के लिए दो तरीके के चार्जर होते हैं, एक होता है ऑनबोर्ड चार्जर और दूसरा ऑफबोर्ड चार्जर। हम उन्हें आसान भाषा में कहें तो एसी चार्जर और डीसी चार्जर। ऑनबोर्ड चार्जर व्हीकल के अंदर होता है, जहां हम ग्रिड से आने वाले एसी सप्लाई को डायरेक्टली दे सकते हैं और बैटरी को सीधा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली लाइन सप्लाई हम व्हीकल को नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें EVSE, जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ लोग इसे वॉल माउंट चार्जर भी कहते हैं, जो गाड़ी के साथ आता है या अलग से उसे खरीद सकते हैं। उसे गाड़ी और लाइन के बीच में लगाना पड़ता है। ऑफबोर्ड चार्जर की बात करें तो ये गाड़ी के बाहर होता है। ये आमतौर पे डीसी आउटपुट देता है। इसमें एसी चार्जर के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावर होती है। ये वास्तव में अपने आप ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी पावर व्हीकल को एक इनलेट से दिया जाता है। इस बार व्हीकल का जो ऑनबोर्ड चार्जर है
वो सिस्टम टेम्परेली ऑफ हो जाता है और पावर सीधे बैटरी पैक को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जितनी पावर बढ़ी उतनी साइज भी बढ़ती है, तो ऑफबोर्ड चार्जर की साइज और प्राइस दोनों EVSE से बहुत ज्यादा होती है। इन चार्जर्स के आउटलेट पर एक कनेक्टर होता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इनलेट में जाता है। ये कनेक्टर व्हीकल ठीक से कनेक्ट हुई है या नहीं वो डिटेक्ट करता है और चार्जिंग के लिए लगने वाली जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये कनेक्टर्स दोनों AC और DC चार्जर्स के लिए अलग अलग होते हैं। ये कनेक्टर पूरी तरह से वाटरप्रूफ होते हैं जो IP सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। AC चार्जिंग के लिए दो तरीके के सप्लाई अवेलेबल है, जो कि सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई। ये इनपुट सीधे EVSE को जाता है और उसके आउटपुट पे ये केबल्स एक्सटेंड की हुई होती है, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में आइसोलेशन और सेफ्टी के लिए एक कॉन्टैक्टर या फिर रिले होता है। एक और कनेक्शन वायर होती है जिसे हम कंट्रोल पायलट कहते हैं, जो ऑनबोर्ड चार्जर और EVSE के बीच में कम्युनिकेशन के लिए मौजूद होता है। खैर, बिना किसी कम्युनिकेशन के चार्जर को कैसे पता चलेगा कि इनपुट है या नहीं? ये EVSE को इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे व्हीकल EVSE से ठीक से कनेक्ट हुई है या नहीं, और व्हीकल चार्जिंग के लिए तैयार है और चार्जिंग हो रही है या नहीं। पायलट सिग्नल का एक और इम्पोर्टेंट काम यह है कि इनपुट में कितनी करंट कैपेसिटी है वो व्हीकल को बताना। इसका एक एग्जाम्पल दे तो EVSE व्हीकल को एक सिग्नल भेजता है, जैसे भाई ये सप्लाई सिर्फ 15 एम्पीयर तक ही करंट दे सकता है, और व्हीकल कहता है सच में तो वैसे मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा ना भाई, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ऑनबोर्ड चार्जर अपनी चार्जिंग लॉजिक को प्रोग्राम करता है। और यदि दोनों में से किसी एक तरफ से भी चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो EVSE उसे डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत सप्लाई काट देता है इस कॉन्टैक्टर को बंद कर। EVSE का और एक फीचर ये है कि सॉकेट के आउटपुट पर तब तक कोई सप्लाई नहीं होता जब तक कि व्हीकल इसे कनेक्ट नहीं होती। व्हीकल कनेक्ट होने के बाद ही लाइव सप्लाई कनेक्ट होता है। इसलिए ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि अगर सॉकेट को गलती से हाथ लग गया तो शॉक लगेगा। हालांकि AC चार्जिंग के लिए एक लिमिट होता है, हम उसकी वजह से AC चार्जिंग में कुछ पर्टिकुलर पावर लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। नॉर्मली ये चार्जर्स ज्यादा पावर हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि व्हीकल में साइज बहुत कम होती है, इसलिए ऑफबोर्ड चार्जर्स प्रेफर किए जाते हैं। ऑफबोर्ड चार्जर DC पावर प्रोड्यूस करते हैं जो बैटरी के जरूरत के हिसाब से कंटिन्यूस करंट चार्जिंग और कंटिन्यूस वोल्टेज चार्जिंग प्रोवाइड करता है, और उसके लिए व्हीकल DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल मौजूद सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादातर सिर्फ 4-व्हीलर या ट्रक या फिर बसेस में ही DC चार्जिंग प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उनकी बैटरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और यदि हम AC चार्जिंग का यूज करें तो उन्हें चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन 2-व्हीलर्स में बैटरी पैक छोटा होता है इसलिए AC चार्जिंग से इनका काम हो जाता है। DC चार्जर के मामले में चार्जर व्हीकल के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। ये सिस्टम चार्जर को बैटरी के हेल्थ कंडीशन और स्टेट ऑफ चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। व्हीकल कितनी चार्ज हुई है वो चार्जर पर लगाए हुए स्क्रीन पर दिख सकता है, और हम ये जान सकते हैं कि व्हीकल चार्ज करते वक्त हमारा कितना बिल हुआ है। बिलिंग के बारे में कहे तो कॉस्ट इस बात पर डिपेंड होती है कि आपने कितने टाइम के लिए कितनी पावर यूज की है, और उसके रेफरेंस पर बिलिंग का कैलकुलेशन किया जाता है। चार्जर का टाइप भी बिलिंग का कैलकुलेशन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। खैर, ये सब EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से कुछ गलत फहमियां दूर भी होगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।